मुझे तलाक इसलिए दी है कि मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे मारा है, जलाया है मुझे, और मैंने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगा लिए हैं, योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी गई हूँ मैं एप्लीकेशन देने के लिए, जो अमरोहा आ चुकी है, लेकिन अभी तक 15 दिन से ऊपर हो गए, कोर्ट पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, और बल्कि मुझे परेशान कर रही है पुलिस। मुझे 1 साल 1 महीना हो गया पूरा, कल मेरी बेटी 2 साल की हुई है, मेरी बेटी जब मैं 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, जब मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उनको उन्होंने टेस्ट करा लिया था टीफा, उसमें उनको पता चल गया था कि बेटी है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। लखनऊ का केस है, अब मुझे लखनऊ ले जाने के लिए पुलिस को कितनी बार मैं गाड़ी करा कर लेकर गई हूँ, कितना पैसा खर्च करा है, 4 लाख रुपए मेरे पापा दे चुके हैं और उसकी भी रसीद मेरे पास है। कितना पुलिस इसमें या भाजपा के नेता कितना मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर हूँ और इस टाइम मौजूदा जो मंत्री है, खेल मंत्री, वो भी अमरोहा के, किसने आके मुझसे एक बार भी पूछा है कि मेरे क्या हालत है, मैं अपनी बेटी को कैसे पाल रही हूँ? नहीं देखिए, मैं आश्वासन तो जरूर देना चाहूंगा कि जो कानून है वो अपना काम करेगी। सर कानून कितना काम करेगी? 1 साल हो गया है मुझे, 1 साल 1 महीना हो गया है मैं कानून के चक्कर लगाते थक गई हूँ। उस अपराधी को बेल मिल गई, सारी धाराएं हटा दी पुलिस ने, कहां तक कानून मेरा साथ दे रहा है ये बताइए आप। मौजूदा आपके मंत्री, खेल मंत्री, जबकि मैं खिलाड़ी हूँ, खेल मंत्री को मेरे पास खुद पूछना चाहिए था कि तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हें दूर करूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, जनपद गौरव सम्मान से सम्मानित हूँ मैं। देखिए, ट्रिपल तलाक के विषय में पहले तो एलिमनी मिलेगा या नहीं, इन सब विषयों पे कोर्ट को निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड और सब्जेक्टिव विषय है। ट्रिपल तलाक देखिए 1937 के पश्चात जो मुस्लिम कोर्ट बिल है उसमें कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है, मुस्लिम तलाक पे मैरिज एक्ट में किसी प्रकार का मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के।